आज हम बताएंगे आपको केले का जूस बनाना। देखिए केला है और इसमें से हम केले को केले तोड़े और इसको पहले से छिलके नहीं रखना है। देखिए केले को ऐसे छिलिए और तोड़ के ऐसे डाल दीजिए इसमें। एक केला हो गया, हम दूसरा केला डाल लें। देखिए इसे क्या है, केला फ्रेश रहता है और काट के रख देने से रखना नहीं चाहिए। अब इसमें हम ये बड़ा केला है, अगर आपको जितना बनाना है उस हिसाब से डालना पड़ता है। हम 2 गिलास जूस बनाएंगे इसमें, तो 3 केला, केला बड़ा है इसलिए 3 केला डालेंगे, और अगर आपको छोटा है तो उसमें 4 केला डालिए। ये देखिए चीनी है, चीनी हमने डाला है इसमें, शक्कर, और इसमें है इलायची के दाने स्वाद के लिए डालते हैं और ठंडा भी करता है। अब देखिए अब इसमें अभी दूध नहीं डालना है, अभी इसको ग्राइंडर को हम चलाएंगे। अगर आप दूध साथ में डाल देंगे तो फिर केला अलग अलग रह जाएगा, इसलिए। अब देखिए इसमें हम दूध डाल लें, ये दूध है। दूध इसमें डाल दीजिए, 2 गिलास आपको बनाना है तो 2 गिलास इसमें डाल दीजिए दूध। पानी के अनुसार पानी भी इसमें मिलाना पड़ता है। ये देखिए 2 गिलास दूध, अब इसको हम इसको ढक्कन बंद कर दिए। अब इसको हम ग्राइंडर चला दिए हैं। इसको थोड़ा देर तक चलाना पड़ता है, 4 मिनट 5 मिनट चलाइए कम से कम। केला है, गर्मियों में तो केले का जूस बहुत ही ताकतवर और स्वादिष्ट है। देखिए आपके तैयार होने वाला है केले का जूस शेक। जी देखिए इसको दोबारा चलाएंगे ताकि कुछ अगर इसमें बचा हो केला तो इसमें पूरी तरह से मिल जाएगा। इसको दो बार चलाइए, एक बार में नहीं हो पाता है, इसे 2 बार चलाना पड़ता है इसको। ग्राइंडर को पहले 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, और जिसमें दूध नहीं डाले होते हैं उसमें 1 नंबर पे चलाइएगा। देखिए ये शेक आपका तैयार है। पानी तो आ रहा होगा लेकिन आपको मिल नहीं सकता। देखिए इतना बेहतरीन शेक तैयार है केले का। ये 2 गिलास शेक तैयार है आपका। ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी।